कंपनी में रेमन जैन, आज हम बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में। आपने देखा होगा कि ऑटो सेक्टर के अंदर काफ़ी भारी मंदी छाई हुई है और उससे चलते मारुति सुजुकी ने भी कुछ दिन, दो चार दिन प्लांट बंद रखा था एस नॉन वर्किंग डेज। तो अब वही हालात अशोक लीलैंड के अंदर भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर भी, दूसरी कंपनीज के अंदर भी आ रहा है, पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर आ रहा है। और अब अशोक लीलैंड ने भी नॉन वर्किंग डेज डिक्लेयर किए हैं, तो उनके जो फैक्ट्रीज है अलग अलग साइट्स पे वो बंद रखेंगे कुछ दिन, और उसी का लेटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी मंदी जो है ऑटो सेक्टर के अंदर आई हुई है। तो इसका अगर आप स्टॉक देखेंगे तो 62.90 के ऊपर क्लोजिंग थी आज, और ये जो न्यूज़ है वो अभी निकल के आई है। तो इसका असर आपको इसके स्टॉक पे भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी मीन्स इतनी मंदी पहली बार आई है और काफ़ी मीन्स दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को। और इसका अगर आप देखेंगे एक लो बनाया 56.95, इतना सोचा नहीं था कि इतना नीचे आ सकता है, लेकिन इतनी भयंकर मंदी के कारण जो है काफ़ी स्टॉक्स के अंदर दबाव अभी भी बरकरार है। तो इसका अगर आप देखेंगे 18,000 करोड़ की कंपनी है, एक रुपये का फेस वैल्यू है। तो सीधा मैं इसका लेटर ही आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ सके कि कौन कौन से प्लांट कितने दिन बंद रहने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेटर मैंने निकाला है अभी 2 घंटे पहले ही अपडेट हुआ है। तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, सबसे पहले आपको न्यूज़ दे रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं इनके जो प्लांट है एनोर के अंदर 16 दिन जो है वो काम बंद रखने वाले हैं। होसुर 1, 2 and CPPS 5 दिन नॉन वर्किंग डेज है, तो वहाँ पे 5 दिन काम बंद रखा जाएगा। अलावर में 10 दिन काम बंद रखा जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2019 में ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है मंदी दिखाई दे रही है, इतने दिन काम बंद पहले कभी रखा नहीं है। तो भंडारा साइट के ऊपर 10 दिन काम बंद रखा जाएगा और पंतनगर में 18 डेज, तो काफ़ी ज़्यादा दिन जो है यहाँ पे छुट्टी दी जा रही है कामगार को और बंद रख रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में दूसरी कंपनी भी रखे, टाटा मोटर्स हो गई और भी सारी कंपनीज हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इन स्टॉक्स में डालना है पैसा तो डाल तो सकते हैं, और थोड़ा अगर नीचे स्टॉक मिलता है तो उस टाइम पे आप लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी भयंकर मंदी का सामना आप करना पड़ रहा है, डिमांड कम है, सेल्स कम है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप्स आप इन्वेस्ट करिए, आने वाले समय में फिर रिकवर होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। तो आज इसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।